हमारी क्लास रहेगी, ठीक है, इसमें रहे आपका रहेगा BHIC 132, भारत का इतिहास 300 से लेकर के 1206 तक, ठीक है। इसमें आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 रहेगा, चैप्टर नंबर 9 जो आपका रहेगा राजपूतों का आविर्भाव, कहने का मतलब कि जो राजपूत वंश है उनकी शुरुआत या उनकी स्टार्टिंग कैसे हुई। अगर मैं बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ज्यादातर अगर आप देखेंगे जो राजपूतों को लेकर के चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है राजपूतों की उत्पत्ति यानी वाद विवाद। अभी लेटेस्ट की बात करूं, अभी जो एग्जाम हुए थे लेटेस्ट में, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे राजपूत शब्द का अर्थ क्या है या इसका महत्व क्या है, यानी राजपूत जो शब्द है यानी वर्ड है उसका अर्थ है या उसका महत्व क्या है। दूसरा जो आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन करेंगे कि राजपूत की उत्पत्ति, और इसमें बहुत सारा वाद विवाद है, यानी राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, राजपूत कहाँ से आए हैं और राजपूतों की स्टार्टिंग हम कहाँ से मानते हैं, इसको लेकर के इतिहासकारों में बड़ा मतभेद हमें देखने को मिलता है। तो मोस्टली यही दो क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे राजपूतों का उदय यानी त्रिपक्षीय जो संघर्ष है, गुर्जर पाल प्रतिहार, उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे। बट ये आपको मैं, आप सभी को जो हमारी दूसरी क्लास होगी अगली क्लास में, आप सभी को मैं जरूर बता दूंगा। लेकिन आज की क्लास में जो क्वेश्चन अगर बात करूं, जैसे मैंने बोला कि राजपूतों को लेकर के उनकी उत्पत्ति को लेकर के जो पूरा वाद विवाद है इतिहास में बना हुआ है, इस क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अभी इग्नू में कम से कम 3-4 बार एक पेपर हुए हैं, उसमें से लगभग 5-6 बार पेपर हुए, उसमें थे 3-4 बार इस क्वेश्चन को इस चैप्टर में से पूछा गया। और इस चैप्टर में से अगर आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति का वाद बताता है, या आपसे इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष या जिसको हम लोग त्रिगुटीय संघर्ष करते हैं गुज्जर पाल प्रतिहार को लेकर के, तो देखिएगा 9.2 और 9.3 रहेगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा राजपूत शब्द का अर्थ और महत्व, देखिएगा राजपूत शब्द संस्कृत, संस्कृत मूल यानी राजा के पुत्र से लिया गया है। राजपूत का मतलब कहते भाई राजा का पुत्र यानी राजा का लड़का। राजपूत शब्द के प्राकृतिक रूपों को विभिन्न रूपों में रावत, रायता या रावल के नाम से भी जाना जाता था। 7वीं शताब्दी के बाद से इस शब्द का अर्थ में परिवर्तन ध्यान देने योग्य है, क्योंकि राजा के बेटे के बजाय एक जमींदार के अर्थ में साहित्यिक ग्रंथों में इस्तेमाल किया जाना है। जमींदार का मतलब वही मैंने आपको बताया कि एक प्रकार से सामंती व्यवस्था से शब्द आया, किसी व्यवस्था से भैया, सामंती व्यवस्था से जो शब्द आया है वह राजपूत शब्द आया है, ठीक है। आगे देख अगर देखेगा बाण भट्ट, यानी बाण भट्ट ने 7वीं शताब्दी में जो एक बुक लिख रही है, बाण भट्ट ने बुक लिखा भैया हर्षचरित, हर्षचरित में इस शब्द का उपयोग एक कुलीन या जमींदार के प्रमुख अर्थों में किया। यानी अगर मैं बात करूं 7वीं शताब्दी में जो बाण भट्ट है वो अपनी बुक यानी किताब में हर्षचरित में एक जमींदार के रूप में इसका करता है, यानी एक जमींदार के प्रमुख को वह राजपूत कहता है, ठीक है। कादंबरी में भी इसका उपयोग कुलीन वंश के व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिन्हें राजा के द्वारा स्थानीय शासक के रूप में नियुक्त किया जाता था। देखो अगर आप देख रहे हैं कि जो बुक कादंबरी है, कादंबरी जो बुक है वह बुक भी बताती है कि जो राजपूत होते थे वह राजा के द्वारा स्थानीय शासकों के द्वारा नियुक्त किया जाता था। स्थानीय शासकों की क्षमता में वह स्थानीय रूप से अधीन भूमि के बड़े हिस्से का स्वाभाविक रूप पर शासन कर सकते थे। इस प्रकार उन्होंने भारत की राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाई है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो राजपूत जो है, अगर आप देखेंगे राजपूतों की अगर हम लोग बात करें तो वह क्या थे कि एक प्रकार से जमीन को लेकर के देखते थे, यानी अगर आप देखेंगे कि वह स्थानीय शासन को देखते थे, जमीन पर जिनका अधिकार था, या आप लोग कह सकते कि इनको एक जमींदार के रूप में कह सकते हो कि इनका हमें देखने को मिलता कि इनका प्रयोग किया जाता था, ठीक है, एक जमींदार या जमीन के प्रमुख के रूप में इसका किया जाता था। अगला अगर आप देखें राजतरंगिणी में राजा पुत्र शब्द का प्रयोग केवल जमींदार के रूप में किया गया है जो राजपूत के 36 कुलों में से जन्म लेते हैं। क्या कि राजतरंगिणी, खास तौर से अगर आप देखें कलहण की जो बुक है जो जम्मू कश्मीर पर लिखी गई है, राजतरंगिणी किताब भी कहती है कि जो राजपूत है उस शब्द का प्रयोग केवल जमींदार के रूप में किया जाता था, यानी क्या थे, एक जमींदार के रूप में लोग होते थे जिनके 36 कुलों का जन्म लेता है। 36 कुलों का संदर्भ
स्पष्ट रूप से 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में थे। यानी जो 36 कुल हम राजपूतों में जो 36 गोतों या 36 कुलों की बात करते हैं, गोत्र की बात करते हैं, वह 12वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो यह अस्तित्व में आता है। यह शब्द 12वीं शताब्दी के बाद अधिक इस्तेमाल, यानी कह सकते जो राजपूत शब्द है वह 12वीं शताब्दी के बाद अगर आप देखेंगे तो इसका प्रयोग ज्यादा होने लगा। भट्ट यानी भानदेव की 12वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे एक विशिष्ट सामंती व्यवस्था की रचना का वर्णन, यानी सामंती व्यवस्था से कह सकते हो कि इनका प्रयोग राजपूत शब्द का आया है। राजपूत को संदर्भित करता है जो संपदा रखने वाले छोटे ओहदे के प्रमुख के एक बड़े हिस्से का संगठन करते थे, उनमें से प्रत्येक एक या एक से अधिक गांव का गठन करते थे। सत्तारूढ़ अभिजात के बीच राजपूत एक विस्तृत श्रृंखला, यानी जो राजपूत थे वह एक विस्तृत श्रृंखला का कह सकते गठन करते थे। राजपूतों ने एक विशेष श्रृंखला के अंतर्निहित किया है जिसमें एक राजा के वास्तविक बेटे से लेकर के निचले स्तर के जमींदार तक को शामिल थे। यानी राजपूत अगर आप देखेंगे तो यह राजा के द्वारा क्या होते थे, नियुक्त किए जाते थे। और इनका जो ये जो शब्द है वह अगर आप देखेंगे बाण भट्ट की बात करूं, कदम्बरी बुक की बात करूं, या कलहण की जो बुक है जो पूरक कश्मीर की बात करती है राजतरंगिणी, वह राजतरंगिणी बुक भी कहती है कि इनका प्रयोग हम एक जमींदार के रूप में करते हैं। यानी यह सामंती व्यवस्था से निकले हुए लोग हैं, यानी ये क्या राजा के सामंत हुआ करते थे वो राजपूत, उससे कह सकते कि वहां पर उनकी स्टार्टिंग हुई। अब देखेगा राजपूत एक सैन्य प्रमुख के रूप में है, कहीं कहीं पर कह सकते हो कि राजपूतों को हमें एक सेना के प्रमुख के रूप में भी इनको हम देखते। देखेगा उत्तरी पश्चिमी सामंत सीमावर्ती प्रांतों में पाई जाने वाली ठीक है पंडुलिपियों के, और इसके बाद में 8वीं शताब्दी में सिंध में जो चचनामा से प्राप्त संदर्भ में भाड़े के सैनिकों के रूप में राजपूतों की उपस्थिति 7वीं शताब्दी में, यानी कह सकते कि राजपूतों को जो 7वीं शताब्दी है वहां पर इनको सैनिक के रूप में ठीक है, यानी एक सैनिकों के रूप में भी इनकी बात कही गई है। यानी जो राजपूत हैं वह कह सकते कि सैन्य प्रमुख भी हुआ करते थे या सेना सेना के लिए सेना में ये लोग काम करते थे। इस अवधि के सभी पारंपरिक भाट परंपराओं में राजपूतों को घुड़सवार के रूप में दर्शाया गया है। फिर यहां से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में राजपूतों के वंशों में से एक प्रतिहार यानी घोड़ों के स्वामी की उपाधि धारण करने से गर्व महसूस किया है। राजपूतों की सैन्य चरित्र यानी का अगर बात करें, राजपूतों का जो सैन्य चरित्र है यानी लेखा पद्धति ठीक है, गुजरात और पश्चिमी मारवाड़ के क्षेत्र में दस्तावेजों के नमूने से परिलक्षित होती है कि जो राज्य या अधिपति की सैन्य सेवा के बदले के रूप में उन्होंने भूमि अनुदान प्रदान का उल्लेख किया। यानी राजा जो होता था, जो राजपूत होते थे, वह राजा को सैन्य सेवा प्रदान करते थे। बाद में राजा इसके लिए इनको क्या करता था, जमीन का टुकड़ा दे देता था। किसको दे देता था, राजपूतों को ठीक है। यानी एक सैन्य प्रमुख के रूप में यानी राजा के सेना के रूप में एक लोग क्या करते थे, काम करते थे। सैन्य दायित्व के बारे में ग्रंथों में से एक घोषणा पत्र यह वर्णन मिलता है कि जब एक राजपूत रण का यानी सामंती प्रमुख जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है में से एक जागीर के लिए आवेदन करता है, जब उसने एक गांव दिया जाता था उसके लिए न केवल आवश्यकता थी वह कानून व्यवस्था भी। कहने का मतलब कि राजपूत है सेना में काम करते थे, दूसरा इनको जमीन का टुकड़ा मिलता था, ये लोग कानून व्यवस्था बनाने का भी क्या करते थे, यह काम करते थे। कौन करता था, यह राजपूत करते थे ठीक है। यानी एक कह सकते कि सैन्य प्रमुख के रूप में, जमींदार के रूप में, और कह सकते कि इनका जो जमीन का टुकड़ा मिलता था वहां पर शासन व्यवस्था को बनाए रखने में भी क्या होती थी, इनकी बड़ी भूमिका हमें देखने को मिलती है। राजपूत राजाओं या अधिकारियों के पुत्र ग्रुप में, यानी कहीं कहीं पर राजपूतों को राजा यानी राजाओं के या राजा के जो अधिकारी होते थे उनके बेटे के रूप में भी इनकी कहीं कहीं बात कही गई। देखेगा हालांकि राजपूतों की स्थिति ठीक है अगर हम बात करें तो यहाँ पर, क्योंकि आम तौर पर राजाओं के वास्तविक बेटों की ही उपाधि दी गई है, यानी इनको कहीं कहीं पर राजा के बेटों की उपाधि के रूप में भी इनको कहा गया है। वह प्रशासन में विशेष व्यक्तियों का प्रयोग करते थे जो राजाओं द्वारा उन्हें सौंपे गए जागीरों के प्रशासक के रूप में कार्य करते थे ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो राजपूत होते थे
ये राजा के जो बेटे होते थे उनके जागीर के रूप में, क्या प्रशासक के रूप में लोग क्या करते थे, काम करते थे। प्रशासन के मामलों में उनकी गहरी रुचि के कारण, ठीक है, कह सकते कि कुछ राजपूतों को शाही विशेषाधिकार, यानी राजपूत जो थे उनको कह सकते कि प्रशासन की, या कह सकते कि शासन व्यवस्था की, या कह सकते कि रख रखाव की उनकी बहुत ज्यादा गहरी रुचि थी। इसलिए राजपूतों को शाही विशेषाधिकार, यानी कह सकते कि राजा के बराबर इनको कह सकते कि अधिकार दिए गए थे और उन्हें सभी शाही और प्रशासनिक गतिविधियों का प्रभार दिया गया था। वह राज्य करने वाले राजा की सहमति से भूमि और गांव का अनुदान कर सकते थे। यानी कह सकते कि जो राजपूत होते थे वह राजा की सहमति से, यानी राजा उनको परमिशन देता था जिससे वो लोग भूमि और गांव को अनुदान देते थे। यानी एक प्रकार से वो पूरी शासन व्यवस्था को बनाए रखने में राजपूतों की हमें यहाँ पर बड़ी भूमिका दिखाई देती है। ठीक है, यानी इनकी क्या है, एक प्रकार से आप देखेंगे कि भूमिका रहती थी। ठीक है, दूसरा अगर आप देखोगे 36 राजपूत वंश हैं, कितने भैया 36 हैं। लगभग सभी समकालीन ग्रंथों में 36 वंशों के रूप में राजपूतों की संख्या का उल्लेख किया गया है। पूरी सूची अगर आप देखेंगे तो पृथ्वीराज रासो, कुमार पाल चरित, ठीक है, वन रत्नाकर और मारवाड़ के एक जैन मंदिर की एक प्राचीन कृति से, यानी कह सकते कि राजपूतों में 36 वंश हैं जिसको हम खास तौर से गोत्र के रूप में बोलते हैं, यानी 36 वंश या 36 गोत्र कह सकते हो। और इसकी पूरी जो सूची है, यानी इसकी पूरी जो लिस्ट है, वो पूरी लिस्ट जो है पृथ्वीराज रासो, कुमार पाल चरित, वन रत्नाकर और मारवाड़ के एक जैन मंदिर का जो प्राचीन कृति है उसमें बताया गया है। ठीक है, यानी राजपूतों के 36 वंशों के बारे में कहा गया है। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा, एग्जाम में बहुत पूछा गया है, इसको मैंने मैराथन क्लास में भी पढ़ा रखा है। अगर आप बीएचआई 132 की अगर आप मैराथन देखेंगे तो उसमें भी आपको राजपूतों की उत्पत्ति जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो वाद विवाद, यानी राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको लेकर के इतिहासकारों में हमें बड़ा वाद विवाद दिखाई देता है। देखिएगा, राजपूतों की उत्पत्ति एक रहस्य है। भाई राजपूत जो है उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है इसको लेकर के इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है, यानी रहस्य बना हुआ है। शायद विद्वान उनके मूल पर एकमत नहीं है, उनके उद्भव से संबंधित कई प्रकार के प्रचलन है। यानी राजपूत जो है उनकी स्टार्टिंग कैसे हुई है, राजपूत वंश को लेकर के अगर आप देखेंगे तो उनके, यानी उनकी उत्पत्ति को लेकर के कई प्रकार के जो मत है, यानी जो विचार है वह फैले हुए हैं। पहला जो मत यानी जो विचार है, अग्निकुंड राजपूतों की उत्पत्ति का एक प्रकार से इसको मिथक भी माना जाता है। देखेगा, चंद बरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो यानी 12वीं शताब्दी में उल्लेख किया है कि चालुक्यों, प्रतिहारों, यानी कह सकते परमारों की उत्पत्ति विशिष्ट यानी अग्निकुंड से हुई। यानी देखो, अगर आप देखेंगे जो चंद बरदाई है उन्होंने जो किताब लिख रखी है, कौन सी किताब भाई, चंद बरदाई ने किताब लिख रखी है पृथ्वीराज रासो, जो कि 12वीं शताब्दी में है। और पृथ्वी राज रासो में चंद्र बरदाई कहता है कि जो चालुक्य हैं, जो प्रतिहार हैं और जो परमार हैं और जो चौहान है, चौमान, ठीक है, इनकी सबकी उत्पत्ति वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। यानी हवन का जो कुंड होता है उसको अग्निकुंड बोलते हैं। ठीक है, रासो के अनुसार विश्वामित्र, रासो कहता है कि विश्वामित्र, अगस्त और वशिष्ठ ये तीन ऋषि हैं। कौन कौन से ऋषि हैं भैया, एक ऋषि है विश्वामित्र, दूसरे हैं अगस्त और तीसरे हैं वशिष्ठ। अन्य ऋषियों ने माउंट आबू पर, माउंट आबू राजस्थान पड़ेगा, माउंट आबू पर एक महान बलिदान शुरू किया। जब दैत्यों ने इसे बाधित किया तो वशिष्ठ ने यज्ञ वेदी से तीन योद्धा यानी तीन योद्धा निकाले जिसमें प्रतिहार, सोलंकी और परमार थे, अनुक्रम में पैदा किए। ठीक है, जिससे पता चलता है कि राजपूत जो है कह सकते कि इनको कह रहे हैं कि भाई तीन जो साधु संत थे वो कर रहे थे बड़ा बहुत बड़ा हवन माउंट आबू पर। ठीक है, और वहां पर उनको जाकर के राक्षस बहुत परेशान करते थे, तो उन लोगों ने तीन योद्धा निकाले थे जिसको कहा जा रहा है कि वो प्रतिहार थे, सोलंकी थे और परमार थे। यानी कह रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति को ये बता रहे हैं कि भैया अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, राजपूतों के अग्निकुंड को मानने वाले आधुनिक विद्वान वाटसन, फोर्ब्स और ये यानी डीआर भंडारकर आदि, यानी ये सभी लोग कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है।
प्रतिपाल भाटिया द्वारा राजपूतों के गुज्जर मूल की आलोचना की गई है। उनके अनुसार गुज्जर केवल लोगों का ही नहीं बल्कि एक देश और सभी लोगों का नाम भी है जो एक जाति और कबीले में रहते थे। तो कहने का मतलब कि काफी इतिहासकार जो हैं वह राजपूतों की उत्पत्ति को अग्नि कुंड से बताते हैं, यानी हवन कुंड से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसको लेकर के भी कहा जाता है। ठीक है, हमें केवल प्राचीन ग्रंथों के सौर और चंद्र क्षत्रियों के बारे में जानते हैं। जो प्राचीन ग्रंथों से हमें केवल सौर और चंद्र क्षत्रियो के बारे में पता चलता है, राजपूतों के सूर्य और चंद्र मूल का उल्लेख महाभारत पुराणों में मिलता है। चंदेल परिवार की सबसे प्राचीन परंपरा उसके शिलालेखों में उल्लेखित है। चंदेलों की उत्पत्ति चंद्रमा से बताती है और उनकी क्षत्रियों की चंद्र जाति के रूप में पहचान की गई। ऐसा प्रतीत होता कि संस्कृत साहित्य ग्रंथों में सूर्य और चंद्र क्षत्रियों की अवधारणा को रासों और भट्ट वर्णन में स्थापित किया है। प्रारंभिक जो मध्यकाल के दौरान अग्निकुंड मूल के प्रतिपाद किया था, यानी कुछ लोगों का कहना है कि अग्निकुंड से हुई है और अन्य लोगों का मत क्या है, अन्य इतिहास क्या कर। देखो बी एन एस यादव ने राजस्थान और गुजरात में राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्था और अराजकता की अवधि के दौरान राजपूतों की वंशों को उभरने का, यानी अगर आप देखेंगे जो या एक इतिहासकार यादव ये क्या कहते हैं कि भैया राजस्थान और गुजरात दो इलाके बताते हैं कि राजस्थान और जो गुजरात है वहां की सामाजिक और राजनीतिक यानी समाज में और पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा वहां पर अव्यवस्था मची हुई थी, यानी कुछ चीजें ठीक नहीं थी। इस दौरान कह सकते कि राजस्थान के इलाके में और गुजरात के इलाके में राजपूतों वंशों के उभरने का पता लगाया है, जो विदेशियों के आक्रमण और बसने की प्रक्रिया से गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पतनशील अर्थव्यवस्था की विशेषता हो सकती है। यानी देखो जो ये यादव हैं क्या कहते हैं, कहता इतिहासकार कहता है कि राजपूत जो है वह गुजरात में और राजस्थान में वहां पर बहुत ज्यादा व्यवस्था थी, इस दौरान कह सकते हैं उनका उभार हमको देखने को मिलता है, क्योंकि विदेशियों का बहुत ज्यादा आक्रमण होता था और गुप्त साम्राज्य के बाद यानी गुप्त पीरियड के बाद कह सकते गुप्ता एम्पायर के बाद, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के बाद कह सकते हैं कि ये उस अर्थव्यवस्था यानी जो राजपूत है अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषता हो सकते हैं। उनके अनुसार बढ़ती सामंती प्रवृत्ति ने भूमि के साथ अंतरंग रूप से सत्तारूढ़ कुलीन वंश के उद्भव के लिए अनुकूल परिस्थिति, कैसे आगे चल करके जो राजपूत है वह कह सकते कि एक प्रकार से भूमि पर इनका अधिकार हुआ और सत्तारूढ़ वंश रहे। ठीक है, इस पृष्ठभूमि से जुड़े उन्होंने 650 से लेकर के 600 यानी सॉरी 650 लेकर के 750 इसी के दौरान उत्तर भारत में गुज्जर, ठीक है, गोहिल, ठीक है, चौपास आदि के सैन्य कुलों का उदय का पता लगा। हालांकि स्वतंत्र भारत के शासकों के रूप में उनके उदय का पता 8वीं शताब्दी से लगाया जा सकता है, जब पहले राजपूत वंशों के रूप में गुज्जर प्रतिहार उत्तर भारत में कन्नौज और अन्य क्षेत्रों पर अपनी पकड़ स्थापित कर चुके थे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो यादव है वो कहता है कि राजस्थान में और गुजरात में एक परिस्थिति के रूप में कह सकते हो कि इनका उभार होता है, और राजपूतों का जो उभार है वह कहता है कि गुप्त साम्राज्य के बाद इनका उभार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, डीसी सरकार आगे कहते हैं कि ठीक है, कलहण की राज तरंगिणी में राजपूत शब्द का प्रयोग महज जमींदार के अर्थ में किया गया। देखो ये जो खास तौर से कश्मीर पर जो लिखी किताब है जो कलहण की एक बड़ी बड़ी तथ्यात्मक बुक मानी जाती है, राज तरंगिणी उसने लिखा है, ठीक है, उसमें राज तरंगिणी में कलहण कहता है कि जो राजपूत है उसको महज जमींदार थे जिन्होंने राजपूतों के 36 कुलों के जन्म का दावा किया है, या इंगित करता कि 12वीं शताब्दी की शुरुआत तक ये वंश पहले ही अस्तित्व में आ चुके थे। इस अवधि के दौरान राजपूतों ने खुद को एक वर्ग के रूप में, यानी कहते हैं कि राजपूत जो है वह एक जमींदार के रूप में थे। कौन कहता, डीसी सरकार कहती, इतिहासकार है वो कहता कि राजपूत 12वीं शताब्दी से पहले ही अपने को एक कुलों के रूप में स्थापित कर चुके थे, और आगे चल करके जो राजपूत यानी उस दौरान राजपुत्रों ने खुद को एक वर्ग के रूप में बना लिया। नवीनतम विचार यानी नया विचार क्या है, जो प्रतीकात्मक सिद्धांत है, ठीक है, बीडी चट्टोपाध्याय एक प्रक्रिया के रूप में राजपूतों का उद्भव की जांच करते हैं जो विभिन्न अवधियों के रूप में
लगभग समान नहीं थे, लेकिन समय और स्थान के संदर्भ में भिन्न है। उनके अनुसार उद्भव को वंशवाद यानी वंशवाद के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रारंभिक मध्यकालीन साहित्यिक ग्रंथों में राजपूत शब्द और वास्तविक में शिलालेखों में एक मिश्रित जाति का प्रतिनिधित्व क्या है, एक मिक्स जाति के रूप में इसको बोलता है, ठीक है, जो अल्पभूमि धारक करने वाले प्रमुख के बड़े हिस्से का गठन करते हैं। कबीले की स्थिति को आमतौर पर प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में बहुत अधिक माना जाता था। यानी देखो ये कहता कि एक ये जो राजपूत हैं इनको कहता है कि ये मिश्रित जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका भाई? मिश्रित जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा, जो वंशानुगत क्षेत्र अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं, अधिकार क्षेत्र होता है जमींदार की भी बात करते हैं, ठीक है। प्रशासन की रूढ़िवादी प्रणाली को महत्व था, ठीक है। इस प्रकार कबीले के समकालीन से राज तरंगिणी कुमार पाल चरित वर्ण रत्नाकर मेवणित राजपूतों वंशों में शामिल की कसौटी थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी साहित्यिक ग्रंथों में 36 वंशों की सूची भिन्न है। भैया जो राजपूतों के जो 36 वंश बताए जाते हैं वह अलग अलग है, यानी उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है भैया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। राजनीतिक प्रभुत्व पूरी तरह से प्रमुख कसौटी हो सकता है जो कबीले की स्थिति में वृद्धि कर सकती है। इस प्रकार शायद प्रतिहारों, ठीक है, चौहानों की राजनीतिक प्रमुख के कारण उनका उनका नाम नियमित रूप से सूची में बरकरार रखा गया। उनका सुझाव है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन अभिलेखों में राजपूतों के उदय की प्रक्रिया को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, यानी राजपूतों का जो उदय है, क्योंकि स्थितियां ऐसी बनी कि उनका उदय, यानी राजपूतों का जो उदय है वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से हम उसको जोड़ करके देख सकते हैं। स्रोते के अध्ययन के अनुसार चट्टोपाध्याय ने निम्नलिखित घटनाक्रमों का पता लगाया जो कि राजपूतों के उदय की प्रक्रिया का वर्णन। यानी चट्टोपाध्याय कहता कि एग्रीकल्चर हो, समाज हो, यानी चीजें ऐसी बनी, समाज ऐसे बना कि वहां पर राजपूतों के वंश का क्या होता है, एक उदय होता है। तो देखो जितने भी इतिहासकार हैं वह राजपूतों के उदय को लेकर के अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन मूलतः बात अगर आप देखेंगे तो यही निकल के आती, राजपूत एक प्रकार से जमींदार के रूप में या कह सकते राजा के सेना के रूप में कार्य करते थे। अगर आप देखेंगे जितनी भी पुरानी किताबें हैं, जो कि खास अगर हम कलहण का भी जिक्र करें तो कलहण भी इसको बड़े दावे के साथ कहते हैं, उसको एकमात्र जमींदार के रूप में इसकी बात करता है कुमार, बल्कि अन्य जो कुमार चरित है या अन्य जो किताबें हैं, कदम्बरी है, वो सभी किताबें यही कह रही हैं कि वह एक यानी भूमि पर उनका अधिकार होता था, ठीक है, यानी एक सामंती सामंतवाद से निकला हुआ कह सकते हो, लेकिन उस टाइम सामंतवाद शब्द नहीं बोला जाता था, लेकिन एक एक प्रकार से कि जमीन यानी इनका जमीनों पर अधिकार था, वहां से कह सकते कि राजपूत जो शब्द है यानी वहां से इनकी क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, इनका जमीन पर अधिकार था। दूसरा, ये सेना में काम करते थे। तीसरा, अगर आप लोग कह सकते हो कि यह लोग शासन व्यवस्था को बनाए रखने में भी क्या होती थी, इनकी बड़ी भूमिका होती थी। कृषि और प्रदेशिक बस्तियों की बात करें, सामाजिक स्थिति में गतिशीलता और राजनीतिक इनमें श्रेष्ठता बहुत ज्यादा थी, लड़ने वड़ने में बहुत ज्यादा माहिर थे। इस ये सारी प्रणालियां थी, इनका जो क्या होता है, पूरा उदय होता है। अगर मैं बात करूं, ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि राजपूतों के उदय को लेकर के वाद विवाद क्या है। और इस देखो जो मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ाया था कि राजपूतों को यानी राजपूत शब्द का अर्थ क्या है, आप दोनों को देखो जब एग्जाम होगा ना तो आप दोनों को साथ में मिला करके यानी मिक्स करके आप क्या कर सकते हैं, इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। आप ज्वाइन करके आंसर को लिखिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपको 4 से 5 पेज लिखना पड़ेगा और इसको आपको बाकायदा हेडिंग वाइज लिखना पड़ेगा। आपको तो वैसे भी इसमें हेडिंग वेडिंग सही इन्होंने बना रखी है, बट आपको थोड़ा और हेडिंग बनानी पड़ेगी क्योंकि हेडिंग बहुत लॉन्ग लॉन्ग हेडिंग है, ठीक है। बट आपको 4 साढ़े 4 पेज या 5 पेज मान लीजिए, मोटा मोटी मान लीजिए भाई 5 पेज आपको लिखना पड़ेगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे अगर बात करूं एमए में आप देखोगे, चाहे बीए में बात करोगे, तो दोनों जगह पर आपको राजपूतों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खास तौर से अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे जब आप यानी आप देखेंगे कि आपकी जो बुक है 300 से लेकर के 1200 है, उसमें आपको राजपूतों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। बाकी इसके और जितने क्वेश्चन है उसको हम लोग कल जरूर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या दो कह सकते हो कि दोनों से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे
पूछा जरूर जाता है, और इसको पढ़ करके जरूर जाइएगा क्योंकि इस क्वेश्चन की एग्जाम में आने की जो संभावना है वह थोड़ी ज्यादा रहती है।